हेलो, गुड इवनिंग गाइस। और सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो रही है क्योंकि जुकाम हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। और आज इन दोनों भाई बहनों ने मुझे इतना बेवकूफ़ बनाया, इसने बनाया सबसे ज़्यादा। इनका ट्यूशन का टाइम होता है 4 बजे और ये महाशय उठ गए 4:30 बजे, सो रहे थे ये। क्योंकि हम 3 बजे सो गए थे, 3 बजे सो गए थे, लेकिन 4 बजे भी उठ सकता था, तो 4:30 उठा जानबूझ के। साढ़े चार नहीं उठा गैस बंद भाई। कर दी? साढ़े 4 बजे तक तो मैं सोता रहा, 5 बजे हो जाए। 4:30 उठाए तो तब से उठा पड़ा है। गैस बंद कर दी? ओ मैडम अभी तक सो रही है, ट्यूशन की छुट्टी हो गई, मज़े आ गए इनके। छुट्टी करके मेरे फालतू में मज़े आ गए इनके। और इन्होंने छुट्टी कर ली और काव्या सो रही है, काव्या भी उठेगी। दोनों के लिए मैंने चाय बना दी है और चाय के साथ हम बात कर लूँ मैं। चाय के साथ हम खाएंगे भाजी। भाजी मतलब वो शादी में जो मिलती है ना, कचौड़ी लड्डू और उसके साथ मट्ठी वट्ठी समथिंग अटॉल उसके मम्मा अंदर है भाई। वीडियो की क्लैरिटी कितनी अच्छी आ रही है, लगता है मैं वीडियो नहीं बनाती ना आजकल, तो वीडियो मुझ पर मेहरबान हो रही है। तो क्या मम्मा मट्टी तो सारी खत्म हो ओए ऐसे मत बोल, गई। काव्या खा गई। नहीं मैं खाऊंगी, अरे काव्या खा गई सच मौत। लेके डब्बा दिखा मेरे को, मट्ठी होगी उसके अंदर भाई, मट्ठी के बिना नहीं मानूंगी, चाय पीऊंगी मट्ठी के साथ। तो वीडियो बनाना आजकल बंद कर दिया मैंने, वीडियो डालती ही नहीं हूँ। ये वीडियो भी पता नहीं कब जाएगा आपके पास, राम जाने भगवान जाने। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, कुछ दिनों से मैं परेशान हूँ। और आ गया भाजी का डब्बा, तो मैं बोल रही थी पहले पूरी बात ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो ऐसा लग रहा है कैमरा मेहरबान हो गया उस पर, कैमरा क्वालिटी देखो कितनी बढ़ रहा है। ओ सिर्फ लड्डू लड्डू और बालूशाही भरी पड़ी है। ये भाजी का डब्बा कल आया था, महारानी मैडम पूरी मट्ठी खा गई, सारी की सारी मट्ठी खा गई। और मट्ठी नहीं मिली मेरे को खाने के लिए। अब मैं चाय के साथ क्या खाऊंगी, मैं तो यही सपना देख रही थी। इतनी खुशी से मैंने चाय बनाई थी, मैंने सोचा मैं मट्ठी खाऊंगी चाय के साथ। तो बड़े दुख की बात है, बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ। और अब मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं जाऊँ मट्ठी लेने। और आज ये सोच रही हूँ, हर एक औरत की जो सवाल होता है हर रोज का, खाना क्या बनेगा आज, सब्जी क्या बनेगी, समझ में नहीं आ रहा मुझे। वैसे नए वाले आलू आ गए बाजार में बिकने के लिए, 40 रुपए किलो। नहीं आता। तो कल मैं खरीद कर लाई थी, देखती हूँ आलू से क्या बन सकता है, वही बना दूंगी। और बाकी कुछ है नहीं, प्याज टमाटर तो घर में पड़े हुए हैं, आलू नहीं, आलू हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और कल इनके पापा छुट्टी करेंगे, कल हमारे घर में ग्रिल लगेगी, रेलिंग लगेगी, सीढ़ियों पर रेलिंग नहीं है, ओपन है, तो डर भी लगता है गिरने का, बच्चों का भी हमारा भी, तो वहाँ पर रेलिंग लगेगी। और कल जो होगा वो तो कल ही पता चलेगा, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। कल हमारे घर में कुछ बंदे आएंगे काम करने के लिए, वही बनाएंगे। जुकाम इतना हो रहा है, लगता है मुंह से नहीं बोल रही, नाक से बोल रही यार। नाक की दवाई आएगी ना? नाक की दवाई नहीं आती? आती है लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, पापा से मंगवा तू लो। मेरे से दूर हो जा, इन्फेक्शन फैल रहा है, इन्फेक्शन से तेरे को भी हो सकता है, दूर हो जा। और एक गले में भी ना पता नहीं क्या हो रहा है, शादी में गई थी यार, जब से आइसक्रीम खा ली ना तब से बुरा हाल हो गया। आइसक्रीम खा ली शादी में, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। तो उठा देती हूँ काव्या को भी, दो तीनों लोग साथ में चाय पी लेंगे। गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कब मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।